स्थिर की पुस्तक अध्याय आठ। स्थिर की पुस्तक अध्याय आठ। यहूदियों को अपने शत्रु के घात करने की अनुमति मिलनी। उसी दिन राजा क्षयर्ष ने यहूदियों के विरोधी हमान का घरबार एस्तेर रानी को दे दिया और मोर्दकै राजा के सामने आया, क्योंकि एस्तेर ने राजा को बताया था कि उससे उसका क्या नाता था। तब राजा ने अपनी वह अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी उतारकर मोर्दकै को दे दी, और एस्तेर ने मोर्दकै को हामान के घरबार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया। फिर एस्तेर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पांव पर गिर आंसू बहा बहाकर उससे गिड़गिड़ाकर विनती की कि आगागी हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। तब राजा ने एस्तेर की ओर सोने का राजदंड बढ़ाया। तब एस्तेर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी कि यदि राजा को स्वीकार हो और वह मुझसे प्रसन्न है और यह बात उसको ठीक जान पड़े और मैं भी उसको अच्छी लगती हूं, तो जो चिट्ठिया हम्मदाता अगामी के पुत्र हामान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को नाश करने की युक्ति करके लिखाई थी उनको पलटने के लिए लिखा जाए, क्योंकि मैं अपने जाति के लोगों पर पड़ने वाली उस विपत्ति को किस रीति से देख सकूंगी और मैं अपने भाइयों के विनाश को क्यों कर देख सकूंगी। तब राजा क्षयर्ष ने एस्तेर रानी से और मोर्दकै यहूदी से कहा, मैं हामान का घरबार तो एस्तेर को दे चुका हूं और वह फांसी के खंभे पर लटका दिया गया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ बढ़ाया था। सो तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखो और राजा की अंगूठी की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए और उस पर उसकी अंगूठी की छाप लगाई जाए उसको कोई भी पलट नहीं सकता। सो उसी समय अर्थात सिवान नाम तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए और जिस जिस बात की आज्ञा मोर्दकै ने उन्हें दी थी उन्हें यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कूश तक जो 127 प्रांत है उन सबों के अधिपतियों और हाकिमों को एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई। मोर्दकै ने राजा क्षयर्ष के नाम से चिट्ठियां लिखकर और उन पर राजा की अंगूठी की छाप लगाकर बेग चलने वाले सरकारी घोड़ों खच्चरों और सांडनियों की डाक लगाकर हरकारों के हाथ भेज दी। इन चिट्ठियों में सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हो और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति व प्रांत के लोग अन्याय करके उनको व उनकी स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहे उनको विध्वंस घात और नाश करे और उनकी धन संपत्ति लूट ले, और यह राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में एक ही दिन में किया जाए अर्थात अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को। इस आज्ञा के लेख की नकलें समस्त प्रांतों के सब देशों के लोगों के पास खुली हुई भेजी गई ताकि यहूदी उस दिन अपने शत्रुओं से पलटा लेने को तैयार रहे। जो हरकारे बेग चलने वाले सरकारी घोड़ों पर सवार होकर राजा की आज्ञा से फुर्ती करके जल्दी चल गए और यह आज्ञा शूनन राजगढ़ में दी गई थी, तब मोर्दकै नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धरे हुए और सूक्ष्म सन और बैंजनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला और शूनन नगर के लोग आनंद के मारे चिल्ला उठे और यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई, और जिस जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहां कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुंचे वहां वहां यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उन्होंने जयनार करके उस दिन को खुशी का दिन माना और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था।